खबर देहरादून से है, जहां जिला अधिकारी सविन बंसल ने ऋषि पर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में कहा कि अधूरे निर्माण और सड़क के गड्ढों, पानी लीकेज की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई। बिना अनुमति के सड़क की खुदाई पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जनपद में पाइपलाइन लीकेज मरम्मत हेतु जल संस्थान की जवाबदेही तय की। निर्माण कार्यों की अनुमति को जिलाधिकारी ने सरल कर दिया है। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस, यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग आदि संबंधित विभागों के अधिकारी एक ही टेबल पर निर्णय होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कर होने के बाद ही नए कार्यों के लिए समयबद्ध पूर्ण करने की शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी। यू में हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसीज की काफ़ी कमियां उजागर हुई थी, डेफिशिएंट वर्किंग उजागर हुई थी, तो उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। सुपरविजन मॉनिटरिंग में पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे जो सारे इश्यूज को ब्रॉडली समझ सकें, टैकल कर सकें, तो अब एक प्रशासनिक अधिकारी उसको लीड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं गाड़ियों में, एम्प्लॉयज़ में, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं उठाया गया, हमारे गार्बेज जहाँ पे उठान नहीं किया गया, हाउस टू हाउस जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, वहाँ पे मिसिंग है कि गाड़ी नहीं गई या हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं गए, तो उसको कंपाइल करते हुए पेनलाइज भी किया जा रहा है एजेंसीज को लगातार। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको जो स्टेडीली रिजॉल्व किए जा रहे हैं, जो एक दिन में या दो दिन में नहीं हो सकते, वो एक हैबिचुअल इश्यूज हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं कंपनीज के भी और हमारे एंड यूजर्स के भी। वो प्रयास जारी है। हमने कंप्लेंट नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स भी ओपन किए हुए हैं हमारे नगर निगम के, कि जहाँ पे भी किसी को भी शिकायत करनी है, ना सिर्फ कूड़े से रिलेटेड बल्कि लाइट से रिलेटेड, कोई डेंगू मलेरिया के जो अभियान चल रहे हैं उससे रिलेटेड, वो वहाँ पे दर्ज करवाएंगे। और हमने एक निश्चित समय अवधि में टीम्स बनाई हैं अपनी, QRT टीम्स, वो वहाँ पे जाके उसको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।